नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। रेलवे ने जारी किया है नोटिफिकेशन। जायस स्टेशन का नाम अब गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन होगा। वहीं फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम रखा गया। कासिमपुर हॉल्ट का नाम अब जायस सिटी होगा। वहीं स्वामी परमहंस नाम होगा बनी रेलवे स्टेशन का नाम। मिसरौली स्टेशन का नाम मां कालिकन धाम होगा। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी होगा। वारिसगंज स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। वहीं अकबरगंज का नाम अब मां अहोरवा भवानी धाम होगा। तो इस तरह से 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, जिसे लेकर रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तब बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक पर सवार होकर सवारों को रोकने की कोशिश की गई थी पुलिस की ओर से, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका एक साथी भाग निकला। नहटोर थाना क्षेत्र का यह मामला है। बलिया में अवैध वसूली कांड पर एक्शन के बाद भी तस्करी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में शराब की तस्करी के लिए नाव पर शराब लोड करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्करी के लिए खड़ी गाड़ी को जब्त किया। वीडियो नरही थाना क्षेत्र के सुहाव ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां शराब तस्कर घाट पर खड़े एक पिकअप वाहन से शराब नाव में लोड कर रहे थे। इस थाने पर जो बॉर्डर का एरिया है, बरेली पुलिस ने जमीन खरीद फरोख्त करने वाले 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और कार बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि एक किसान से जमीन बेचने के नाम पर 40 लाख रुपए इन्होंने ठगे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस रिकॉर्ड में चारों आरोपियों पर कई थाने में केस दर्ज है। अम्बेडकर नगर में प्रेमी के ब्लैकमेल करने से परेशान दो प्रेमिकाओं ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल सम्मनपुर थाना क्षेत्र में 26 अगस्त को गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त उस वक्त नहीं हो पाई थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो शव की शिनाख्त संदीप चौहान के रूप में हुई। पुलिस को पता चला कि मृतक संदीप का उसका भतीजा 25 अगस्त की शाम गांव के पास छोड़कर गया था। भतीजे से ही पुलिस को पता चला कि वो गांव की एक लड़की से मिलने आया था। इतना पता चलने के बाद पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो अब ये पूरा मामला सामने आ गया। लड़की ने बताया कि मृतक संदीप का पहले भी उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग था। इसी बात को लेकर वो इन दोनों को अक्सर ही ब्लैकमेल करता था। संदीप की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उन दोनों ने इसकी हत्या कर दी। एक मॉर्निंग में गन्ने के खेत में एक युवक का शव प्राप्त हुआ था, जिसकी तत्काल पहचान नहीं हो पाई थी। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था। टीम ने अथक परिश्रम करके इसमें उसकी पहचान कराई। पहचान के पश्चात उनके परिजनों से वार्ता करने पर यह पता चला कि 2 महिलाओं ने मिलकर के इस घटना को कारित किया है। इसमें तकनीकी आधार पर इसको चेक किया गया, उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई। तो घटना पूरी तरह इन दोनों महिलाओं के द्वारा कारित की गई है। इन दोनों महिलाओं से आला कतल, चाइनीज टॉर्च, मृतक का मोबाइल, मृतक का पर्स बरामद किया गया है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर में जिला कारागार के जेलर को जान से मारने की धमकी मिली है। बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर पर फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। इसके बाद पीड़ित जेलर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को बर्खास्त इंस्पेक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिला जेल के जेलर राजेश सिंह ने नई मंडी कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बर्खास्त इंस्पेक्टर किसी मामले में मेरठ जनपद से जेल गया था, जिसके बाद उसे मुजफ्फरनगर जेल में ट्रांसफर किया गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी इंस्पेक्टर जेल में जेल कर्मचारियों से बदतमीजी कर बगैर पर्ची की मुलाकात करने का दबाव बनाता था। पीड़ित जेलर राजेश कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि मेरे द्वारा इसका विरोध करने पर वो उसे धमका था।
जो उनके द्वारा तहरीरी सूचना दी गई है उसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये पहले पुलिस विभाग में निरीक्षक के पद पर तैनात था, जिसका नाम अमित कुमार सिंह बताया गया है। पुलिस द्वारा इसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो जितने भी तथ्य हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसमें ठोस साक्ष्य संकलित करने के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है और इसमें विवेचना के दौरान सभी तथ्यों पर गहराई से जांच की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि ये पहले पुलिस विभाग में निरीक्षक के पद पर तैनात था और उसके बाद में मेरठ में ये किसी मुकदमे में जेल गया था, जिसमें प्रशासनिक आधार पर इसको जनपद मुजफ्फरनगर कारागार में ट्रांसफ़र किया गया था। इधर आगरा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पीड़ित परिवार के तहरीर पर यह एक्शन हुआ है। एतमादौला क्षेत्र के बघेल बगीची का यह मामला है। दरअसल आरोप है कि 25 अगस्त की रात नाबालिग घर से जनरल स्टोर के लिए निकली थी, तभी पड़ोस के रहने वाले 3 युवक उसे बहला फुसला कर अपने साथ ऑटो में ले गए। सुनसान जगह पर ले जाकर युवकों ने शराब पी और नाबालिग को भी शराब पिलाई, जिसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और अगली खबर बिजनौर से, जहां बाइक सवार 2 दोस्तों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी है। हादसे में 1 की मौत हो गई, दूसरा जख्मी है। सूचना पर पुलिस गांव में पहुंची, शव को कब्जे में लिया। हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के तिगरी गांव का यह मामला है। रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां बेकाबू कार खाई में गिर गई। हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 1 गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा। नौगढ़ सोहांस रोड पर बनकसिया गांव के पास ये घटना हुई है। उधर झांसी में करंट की चपेट में आकर 1 युवक की जान चली गई। खेत में बिजली तार की चपेट में आने से 20 साल के युवक की मौत हुई है। ये घटना बड़ा गांव थाना क्षेत्र के गोरई गांव की है। और अगली खबर कौशाम्बी से, जहां स्कूल में कब्र बनाने के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों हासिम और कासिम को गिरफ्तार किया। इसी के साथ कब्र के मलबे को विद्यालय से बाहर कराया गया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों के मुताबिक इनकी बहन सितारा की मौत सांप काटने से 30 साल पहले हुई थी। उसकी मौत के बाद इसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया था, लेकिन बाद में यह जमीन प्राथमिक विद्यालय के लिए आवंटित हो गई। विद्यालय बनने के बाद उनकी बहन की कब्र विद्यालय के अंदर आ गई, लिहाजा 2 दिनों की छुट्टी का मौका पाकर पक्की कब्र उन्होंने बनाई है। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के अषाढ़ा गांव का यह मामला है। इन्हीं 2 अवकाशों में जो है कुछ घटना हुई, जब आज हम लोग सुबह गए विद्यालय में तो खोले तो एक पहले से ही हमारे नियुक्ति से के समय से ही एक कब्रिस्तान कच्ची बनी हुई थी और आज उसको देखा तो वो पक्की बनी थी। तो ये 2 दिनों के बीच में, ये छुट्टी के दिनों में ये कब्रिस्तान साथ बना दी गई है थी, तो ये बाउंड्री फांद कर जो है लोग आए और अराजक तत्वों ने जो है बना दिया। तो हमने जो है इसको पहले जानकारी जुटाई कि किन लोगों के द्वारा है। जब वो पता पाए तो हमने अपने अधिकारियों से जो है कहा, तो उसके बाद हमने उनसे संपर्क किया जो लोगों ने बनवाया, तो फिर जो है हमने उनसे कहा कि इसको हटवा लीजिए तुरंत, नहीं तो FIR हो जाएगी आपके खिलाफ जो है। ग्राम असाड़ा के सरकारी स्कूल के अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा एक कब्र बनाई जा रही थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर गई है। प्रधानाध्यापक के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से खबर, जहां पुलिस ने फर्जी CMO बनकर ठगने वाले को गिरफ्तार किया। फर्जी CMO पर नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ठगी के आरोप है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस के नाम पर डरा धमकाकर 2,20,000 रुपए वसूले। जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी CEO को हुई तब SOG और सदर कोतवाली पुलिस को जांच पर लगाया गया। इस मामले में फर्जी CMO की पत्नी और एक डॉक्टर का नाम भी सामने आया है। दोनों की गिरफ्तारी इज्जतनगर थाना क्षेत्र से हुई। 2 अभियुक्तों की अभी गिरफ्तारी हुई है। जो वादी द्वारा FIR दी गई है उसमें टोटल 4 नामजद हैं। एक डॉक्टर सोमपाल है, एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई वो अपने आप को CMO बताता था, फर्जी CMO जो निकला है, और एक व्यक्ति, एक महिला
जो अपने आप को सीएमओ की वाइफ बताती थी, उसकी तलाश जारी है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जिन व्यक्तियों ने इन्होंने जिन व्यक्तियों से अपनी फर्जी सिम बनवाई है वो भी हमारा वांछित चल रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और भी जो इसमें फर्जी सिम देने वाले और जिसके नाम पर यह फर्जी सिम ली गई है उनके विरुद्ध भी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और अब बात किचन गार्डन वाले गांव की। मेरठ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सिकंदरपुर गांव ने मिशन पानी को लेकर एक ऐसा काम किया कि हर कोई तारीफ कर रहा है। यहां की महिलाएं बाहर से बहुत कम सब्जियां खरीदती हैं क्योंकि सभी सब्जियां घर पर ही मौजूद हैं। बूंद बूंद पानी बचाकर महिलाओं ने सब्जियां, फल और फूल अपने घर के आंगन में ही उगाया है। गांव में सैकड़ों घर हैं और हर घर की वही हरियाली वाली तस्वीर है। हर घर में आपको गोभी, भिंडी, मिर्च, लौकी, बैंगन, पपीता, धनिया, कटहल जैसे तमाम सब्जियां मिल जाएंगी। ताज्जुब की बात यह है कि ये सभी सब्जियां ग्रे वाटर से उगाई गई हैं। इस गांव में घर का पानी कहीं भी गली में इकट्ठा नहीं मिलेगा क्योंकि वेस्ट वाटर घर के बाहर नहीं जा पाता। एडीओ का कहना है कि ऐसा गांव यकीनन समूचे समाज के लिए एक उदाहरण पेश करता है। गांव की महिलाओं ने घर में ही सब्जियां उगाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश की है। भारतवर्ष ने, जो भारत सरकार ने कल्पना की है कि हमारे ग्राम पंचायतें मॉडल होनी चाहिए, उसमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट घर पे ही उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से इन लोगों ने कम जानकारी के बाद भी देश प्रदेश के सामने मिसाल कायम किया कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट, किचन वाटर मैनेजमेंट, जो किचन वेस्ट होता इस तरह से किया जा सकता। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शायद ही कोई ऐसी सब्जी हो जो यहाँ ना उगाई जाती हो। लौकी, कद्दू, तोरी, अरवी, पालक और खीरा और सारी सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती हैं। अपने घर में तो ये लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ ही साथ बाजार में भी ले जाते हैं और उसको आर्थिक लाभ भी होता है। बिल्कुल आर्थिक लाभ होता है, यहाँ से दिल्ली तक के लोग आते हैं। अच्छा, पूरा यकीन मानिए कि एक रात्रि विश्राम करते हैं लोग और रात्रि विश्राम करके एक दिन खाना खा के जाते हैं इनके। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जल ही जीवन है, पानी की एक एक बूंद हमें बचानी चाहिए। पानी की एक एक बूंद बचाने का संकल्प मेरठ के परिक्षतगढ़ क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव की महिलाओं ने लिया है। यहां की महिलाएं किचन के वेस्ट वाटर से किचन गार्डन तैयार कर रही हैं। सारी सब्जियां यहां किचन के वेस्ट वाटर से ही उग रही हैं। इस गांव में आपको कहीं नाली देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि किचन का सारा वेस्ट वाटर सब्जियां उगाने में इस्तेमाल होता है। योगी कैबिनेट की बैठक में आज 13 प्रस्तावों पर मंजूरी हुई है। इसमें एक प्रस्ताव संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के हित में था। सरकार के मुताबिक संस्कृत पढ़ने वाले छात्र ज्यादातर गरीब परिवार से आते हैं और उनकी स्कॉलरशिप काफी दिनों से बढ़ाई नहीं गई थी, जिसे अब बढ़ाने के प्रस्ताव को पास कर दिया। संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र और छात्राएं ज्यादातर निर्धन परिवारों की पृष्ठभूमि से होते हैं, इसलिए संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत प्रथमा कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपये, जो पहले नहीं दिया जाता था, वो अब हमारी सरकार में दिया जा रहा है। 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपये प्रति माह और प्रथमा के ही कक्षा 8 के बच्चे के लिए 75 रुपये प्रति माह देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ पूर्व मध्यमा कक्षा 9 और 10 के लिए 100 रुपये, उत्तर मध्यमा 11 और 12 के लिए 150 रुपये प्रति माह, शास्त्री के लिए 200, जो 80 मिलते थे वो 200 रुपये, और आचार्य के लिए 250 रुपये प्रति माह की व्यवस्था की गई है। मथुरा में जादौन यदुवंश समाज ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा बिहारी जी मंदिर से शुरू हुई। रहामन पाड़ा, पुराना जीती रोड, गोवर्धन चौराहा, बरसाना चौराहा, नई तहसील, दिल्ली गेट, सराय शाही, मेन बाजार होते हुए हनुमान बगीचा पर ये जाकर यात्रा समाप्त हुई है। शोभा यात्रा का जगह जगह नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स की भी तैनाती थी।
और अगली खबर देवरिया से, जहां भदीला गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। डीएम और प्रशासनिक अधिकारी एनडीआरएफ की बोट के जरिए गांव पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से संवाद किया। अधिकारियों ने लोगों से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बरहस तहसील के भदीला प्रथम गांव का ये मामला है। इसमें दो स्तर पे हमारी कार्रवाई होनी है। पहले तो अभी राहत का जो कार्य हो रहा है उसको हमने देखा कि यहाँ पे हमारे 1760 की आबादी है, तो हमारे द्वारा यहाँ पे 500 परिवारों के हिसाब से किट्स बांटी गई हैं और यहाँ पे क्लोरीन की टैबलेट और दवाइयों की उपलब्धता की जांच की गई है। वो सभी यहाँ पे उपस्थित है, सभी गांव के लोगों ने भी बताया, प्रधान जी ने भी बताया। इसके अतिरिक्त इनकी जो और समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे रास्ता हर बार कट जाता है, तो इनकी ये मांग है कि एक रास्ता, एक सड़क, इनका एक ब्रिज टाइप का पुल बन जाए जिससे इनका आवागमन जारी रहे। और अगली खबर चित्रकूट से, जहां अखरनपुरवा गांव में सड़क की सुविधा न होने से परेशान लोग चारपाई के जरिए बीमार को अस्पताल ले जाते दिखे। आलम यह है कि रास्ता खराब होने की वजह से एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। 1.5 किलोमीटर की कच्ची सड़क बरसात के मौसम में कीचड़ में तब्दील हो जाती है। ये कहानी मऊ तहसील के अखरनपुरवा गाँव की है। उधर लखीमपुर खीरी में क्रोसॉ के मौके बफर जोन की रेंज परिसर में बार बालाओं से अश्लील नृत्य करवाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस तहसील परिसर में इन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आरोपी रेंजर को सस्पेंड करने की मांग की गई है। लधोरी रेंज के रेंजर फारूक जमाल पर हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा है। प्रभागीय वन अधिकारी दक्षिण खीरी ने बताया कि मामला संज्ञान में आ चुका है, उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है।